भोजपुरी का सलमान खान कहा जाता है पावर स्टार पवन सिंह को। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से सलमान खान ने अपने रिलेशन पर रिलेशन बदले, ठीक उसी तरह से पवन सिंह के साथ भी ऐसा हुआ है। पवन सिंह और सलमान खान में काफ़ी सिमिलैरिटी है। तो आपको बता दें कि पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी कुछ सलमान खान से इनका मिलता जुलता है। ये बात और है कि सलमान ने शादी नहीं की है और पवन सिंह 3-3 शादियां कर चुके हैं। पवन सिंह की शादी को, पहली शादी को वो अपनी गलती मानते हैं। है कि उन्होंने कुछ लोगों की बातों में आकर, या यूं कह लें कि अपने परिवार के खिलाफ जाकर जो शादी की थी वो उन्होंने अच्छी नहीं की थी। और बहुत ही जल्दी, जितने जल्दी इनकी पहली पत्नी रीना रानी की एंट्री इनके लाइफ में होती है उससे भी जल्दी एग्जिट हो जाती है। जी हाँ, इनकी शादी सिर्फ 2-3 महीने चलती है। उस वक्त पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में नए नए मुंबई आए हुए रहते हैं और उन्हें ज़्यादा चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। और ऐसे में रीना रानी से उनका लगाव, उन्हें लगता है कि ये प्यार है, और रीना रानी से शादी कर लेते हैं, जो कि पहले से ही डिवोर्सी थी, उनका एक बच्चा था, आगे चलकर पवन सिंह का नाम जुड़ता है रानी चटर्जी से। रानी चटर्जी और इनका नाम काफ़ी दिनों तक जुड़ा रहा और इन दोनों की खबरों ने, इन दोनों की लव की खबरों ने काफ़ी भोजपुरिया बाजार गर्म किया। आपको बता दें कि इनके लव के किस्से भोजपुरी गलियारों में हमेशा गाए जाते थे उस वक्त। और रीना रानी से ब्रेकअप के बाद पवन सिंह ने रानी चटर्जी में अपना हमसफ़र ढूंढने की कोशिश की और काफ़ी हद तक पवन सिंह और रानी एक दूसरे के से शादी करने के लिए तैयार भी हो चुके थे। लेकिन ऐन वक्त पर रूबी सिंह, जी हाँ रूबी सिंह पवन सिंह के लाइफ में आती हैं और एक नया लव का चैप्टर खुल जाता है। ये बात जैसे ही रानी चटर्जी को पता चलती है, रानी चटर्जी के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो इस बात का डिस्कशन पवन सिंह से करती है। में ही ये डिस्कशन एक विवाद का रूप ले लेता है और विवाद डिस्ट्रीब्यूट का, यानी अलगाव का। अब ये दोनों अलग हो जाते हैं इनकी लाइफ में। अब पवन सिंह की लाइफ में आ जाती है रूबी सिंह। पवन सिंह कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो रानी के साथ साइन कर चुके हैं, अब उन्हें वो फिल्में करनी पड़ी, लेकिन फिर उन्होंने कसम खा ली, इन दोनों ने कसम खा ली कि एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं करेंगे। जैसे ही रूबी सिंह के साथ पवन सिंह की लाइफ अच्छे से कटनी लगती है, ऐसे में ही एंट्री होती है नीलम सिंह की। नीलम सिंह गाँव की भोली भाली सीधी सादी लड़की है। नीलम सिंह उस वक्त अपनी पढ़ाई कर रही होती है जब उनकी शादी पवन सिंह से होती है। पवन सिंह और नीलम सिंह की शादी घर वालों की मर्जी से हुई है और यहाँ पवन सिंह ने अपने घरों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाभी की बहन से शादी करते हैं। और सभी को लगता है अब पवन की लाइफ सेट है, अब पवन के लाइफ में किसी की भी एंट्री नहीं। नीलम इतनी खूबसूरत और इतनी सकुशल महिला थी कि उनके बारे में जो भी है वो सभी यही कहते कि पवन सिंह के लाइफ को ये सेट कर देंगी। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था और हुआ वो जो किसी ने नहीं सोचा था। पवन सिंह के ही घर में नीलम ने आत्महत्या कर ली और ये पवन सिंह की लाइफ का सबसे बड़ा सबक बन गया। पवन सिंह ने भी नहीं सोचा होगा कि नीलम सिंह इतना बड़ा कदम उठाएंगी। वैसे बात ये तब भी उड़ी थी कि रूबी सिंह के साथ अफेयर को लेकर ही पवन सिंह की पत्नी नीलम सिंह ने आत्महत्या की है, और ना ही पवन सिंह की ये लाइफस्टाइल उनको पसंद आ रही थी। खैर आगे बढ़ते हैं और अब उनकी लाइफ में एंट्री होती है। जी हाँ, अब रूबी सिंह भी पवन सिंह की लाइफ से जा चुकी होती है, क्योंकि रूबी भी वही करती है जो नीलम सिंह करती है। जी हाँ, रूबी सिंह ने भी आत्महत्या कर ली, लेकिन इनकी आत्महत्या को कभी भी पवन सिंह के किसी भी कनेक्शन से नहीं जोड़ा गया। कहा जा रहा था कि इन्हें फिल्म इंडस्ट्री के जो रूल्स हैं, तरीके हैं, वो पसंद नहीं आ रहे थे, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। खैर हाँ, अक्षरा सिंह और पवन सिंह का नाम काफ़ी दिनों से एक दूसरे के साथ जुड़ा रहा, एक दूसरे साल लगने लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि ये दोनों दो अलग लोग हैं, ऐसा लगा नामों को लेकर कि ये दोनों एक हैं, क्योंकि पवन अक्षरा हर जगह होने लगा। और अब यहाँ अति होती है एक रिश्ते की। जी हाँ, जिस रिश्ते को अक्षरा सिंह ढो रही थी, अक्षरा सिंह को लगा कि उन्हें कुछ तो मिलेगा पवन सिंह से,
उन्हें उनके प्यार के बदले प्यार तो मिलेगा, लेकिन पवन सिंह के लाइफ में एंट्री होती है ज्योति सिंह की, जो इनकी तीसरी पत्नी है। इनकी माँ द्वारा, इनकी फैमिली द्वारा पसंद की गई ज्योति सिंह से पवन सिंह की शादी हो जाती है और अक्षरा सिंह के लिए मानो आसमान फट जाता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिसके साथ वो जा रही हैं बिहार स्टेज शो करने होली में, वो किसी और के मांग का सिंदूर बन जाएगा। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को लाख समझाने की कोशिश की कि वो उनके साथ बनी रहे, भले ही उनकी शादी हो गई है तो क्या, लेकिन वो अक्षरा सिंह को वही प्यार और सम्मान देंगे। लेकिन अक्षरा सिंह को ये मंजूर नहीं था और अक्षरा सिंह ने कन्नी काट ली पवन सिंह से। और अक्षरा का कन्नी काटना पवन सिंह को रास नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह को भी पवन सिंह बहुत चाहने लगे थे और वो नहीं चाहते थे कि अक्षरा सिंह उनकी लाइफ से जाए। और हर एक चीज़ को अक्षरा सिंह ने बहुत ही मैनेज कर लिया था उनकी लाइफ में, जिस तरह से उनकी लाइफ चल रही थी अक्षरा सिंह के हिसाब से ही चल रही थी। ये सब कुछ कहीं ना कहीं पवन सिंह को बर्दाश्त नहीं था कि अक्षरा सिंह उनकी लाइफ से जाए, लेकिन अक्षरा सिंह ने अपनी लाइफ को एक अलग मोड़ दिया और पवन सिंह को वहीं छोड़ दिया ज्योति के साथ। अब पवन सिंह की लाइफ में ज्योति सिंह एक अहम हिस्सा है और पवन सिंह फिलहाल उनके साथ खुश ही है। और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।